मेरे पुत्र को उस दारुण अवस्था में छोड़कर आप भी युद्ध क्षेत्र से चले आए केशव? मुझसे सहन नहीं हो सका देवी। मेरे नेत्रों के समक्ष एक युग समाप्त हो रहा था, निष्ठा, प्रणबद्धता और कर्मठता का युग। मैं कैसे देख सकता था देवी? परंतु इस युग की समाप्ति के उत्तरदायी तो आप ही हैं कृष्ण। मैं? हाँ, आप। आपने ही तो ये युद्ध आरंभ करवाया था, जिसके कारण मेरे पुत्र देवव्रत की ये दशा हुई। नहीं पतित पावनी, आप ये भली भांति जानती हैं कि इस युद्ध का कारण मैं नहीं हूं। इस युद्ध का कारण है कौरवों का अन्याय, दुर्योधन का अहंकार और महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। पितामह आज जिस स्थिति में है उसका उत्तरदायित्व भी मुझ पर नहीं है देवी गंगे। तो फिर किस पर है? कौन है इसका उत्तरदायी? नियति, केवल और केवल नियति। वही नियति जिसने आपको स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया, वही नियति जिसके कारण मुझे जन्म लेना पड़ा। नियति के समक्ष हम सब विवश हैं देवी गंगे। नियति को दोष देकर आप मेरे पुत्र के त्याग, तपस्या और निष्ठा को अनदेखा नहीं कर सकते। आप क्या जाने केशव, जब मेरे पुत्र ने जन्म लिया तो मैंने उसके सारे शरीर पर चुम्बन के चिन्ह अंकित किए थे और आज उसका अंग अंग बाणों से विदा हुआ है। हाय, मेरा पुत्र मेरी गोद में सोता था और आज बाणों की शैया पर लेटा है, घायल, हताहत, घावों से चूर चूर। यदि मैं ये जानती तो महाराज शांतनु का वो प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करती। मुझे ज्ञात नहीं था कि हमारा मधुर मिलन ये रंग लाएगा। मुझे रह रहकर वो पल याद आते हैं केशव। कौन है आप? मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ देवी? यदि मैं अपना नाम ना बताना चाहूँ तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अर्थात? पुष्प का परिचय उसके नाम से नहीं, उसकी सुगंध से होता है। भवरा पुष्प की ओर उसके नाम से नहीं, उसकी सुगंध से मोहित होकर आकर्षित होता है। हाँ देवी, आपका सौंदर्य ही आपका परिचय है और आपके सौंदर्य ने मेरे हृदय में एक ऐसी इच्छा को जागृत कर दिया है जिससे आज से पहले मैं परिचित नहीं था। कैसी इच्छा? आपको अपने जीवन, अपने अस्तित्व और अपने राजभवन की शोभा बनाने की इच्छा। आप अपना नाम नहीं बताती तो ना सही, मुझे गंगा तट पर आपके दर्शन हुए इसलिए मैं आपको गंगा नाम देता हूं। हे देवी गंगा, क्या आपको मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है?
परंतु विवाह की सीमा के साथ अधिकारों की सीमा भी होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर अधिकार जमाए। हमारे हृदय पर सदैव आपका अधिकार रहेगा देवी, किंतु मैं वचन देता हूं कि आप पर अपने अधिकारों का कदापि प्रयोग नहीं करूंगा। अब तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। परंतु मैं अभी भी ये जानने में असमर्थ हूं कि आप मुझे बिना जाने मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं। अपने हृदय के हाथों विवश होकर, न जाने आपसे मिलकर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जैसे हम चिर परिचित हैं। आपसे मैं पहले भी मिल चुका हूं, कहां मुझे स्मरण नहीं। आपको मैंने पहले भी देखा है, कहां यह भी स्मरण नहीं। किंतु हे देवी, ये निश्चित जानिए कि हमारी भेंट हो चुकी है। अब तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है। नहीं, अब क्या रह गया है देवी? यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको एक वचन देना होगा, एक प्रण लेना होगा। उसकी भी आज्ञा कीजिए देवी। विवाह के पश्चात आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। मुझे अपनी स्वच्छंदता समर्पित करना स्वीकार्य नहीं। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि आपसे आपकी स्वच्छंदता कदापि नहीं छीनूंगा, कोई प्रश्न नहीं करूंगा, कभी नहीं पूछूंगा कि आप क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। अब तो अब मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु स्मरण रहे, यदि आपने वचन तोड़ा तो मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगी। मैं सदैव स्मरण रखूंगा देवी। इस प्रकार मेरा विवाह हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु के साथ संपन्न हुआ। मेरे पति ने मुझे अपार प्रेम दिया। विवाह के पश्चात ही मैं वास्तविक रूप से संपूर्ण हुई, जैसा कि हर स्त्री को होना चाहिए। और फिर वो दिन आया जब मैं मां बनी। पुत्र जन्म की सूचना पाकर महाराज शांतनु आनंदित हो उठे। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि आपसे आपकी स्वच्छंदता कदापि नहीं छीनूंगा। नहीं देवी, नहीं, रुक जाइए। बस देवी बस, अब मेरे धैर्य का बांध टूट चुका है। कैसी मां है आप, कैसा कठोर है आपका हृदय। अपनी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के साथ एक मां ऐसा व्यवहार कर सकती है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। देवी, मैंने एक एक करके अपने सात पुत्रों को इस बर्बरता की भेंट चढ़ते देखा है। मैंने सहन किया, मैं मौन रहा, मैं वचनबद्ध था। क्या कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं? तो आपने अपना वचन तोड़ ही दिया पुत्र। नहीं देवी, नहीं, उस पर अत्याचार ना कीजिए। मैं आपके पुत्र की नहीं, हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के जीवन की भिक्षा मांग रहा हूं आपसे। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि यदि आपने वचन तोड़ा तो मैं आपके विवाह बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। मुझ पर दया कीजिए देवी। महाराज, आपने ठीक कहा था, हम पहले भी मिल चुके हैं। आप और मैं श्रापवश स्वर्ग से धरती पर आए हैं, और उन सात पुत्रों को जो मैंने जल में प्रवाहित किया है वो वास्तव में वसु थे। उनका उद्धार
मेरे हाथों इसी प्रकार बुना था। वचना अनुसार अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, किंतु मैं आपको वचन देती हूं कि आपका ये आठवां पुत्र जीवित रहेगा। मैं इसका पालन पोषण करूंगी और उचित समय आने पर आपको सौंप दूंगी। आपने जो मुझे नाम दिया था वही मेरा वास्तविक रूप है। मैं गंगा ही हूं। गंगा? नहीं गंगा, गंगा! हम कहां जा रहे हैं गुरुदेव? प्रश्न मत करो देवव्रत, मेरे साथ चलो। देवव्रत, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम्हें अपने इस पूर्णता की परीक्षा देनी है। अवश्य गुरुदेव, आप आज्ञा दें। दोगे परीक्षा? मैं आपका शिष्य हूं गुरुदेव। तो देवव्रत, तुम अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गंगा के प्रवाह को रोकने वाले दुस्साहसी बालक कौन हो तुम? मैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का शिष्य हूं। किंतु तुमने इस उद्दंडता का साहस कैसे किया? मैंने केवल अपने गुरुदेव के आदेश का पालन किया है। ये सत्य कह रहा है महाराज, इस बालक का साहस तो देखे ऋषिवर, मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं यहाँ का नरेश नहीं एक साधारण व्यक्ति हूँ। आर्य पुत्र, साधारण व्यक्ति तो ये बालक भी नहीं है। प्रणाम माता। देवी गंगे। महाराज, ये आपका पुत्र है। पुत्र? मेरा पुत्र? क्या यह सत्य है देवी? सत्य ना होता तो आपकी आंखों में आंखें डालकर बातें करने का साहस कैसे कर पाता? यह आपका आठवां पुत्र है देवव्रत, आपका उत्तराधिकारी। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। अब आप इसे अपने साथ राजभवन ले जा सकते हैं। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, मेरे स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। पिताश्री। आओ पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, भोजन में विलंब हो गया। क्षमा करें पिताश्री, आपने आरंभ कर लिया होता। तुमको ज्ञात है कि तुम्हें अपने हाथ से भोजन कराए बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। पिताश्री, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं शिशु नहीं रहा। कितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे तो मेरे पुत्र ही, और मेरी दृष्टि में सदैव एक शिशु ही रहोगे। मानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। हस्तिनापुरवासियों, राज्य अधिकारी एवं उपस्थित अतिथिगण, साक्षी रहना कि मैं आज आप सबके समक्ष अपने प्रिय पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूं। युवराज देवव्रत की जय! युवराज देवव्रत की जय! युवराज देवव्रत की जय! युवराज देवव्रत की जय! आज से मेरा प्रिय पुत्र न केवल मेरा उत्तराधिकारी होगा अपितु मेरे दायित्वों का भी निर्वाह करेगा। ऐसा पुत्र प्राप्त करके मैं मुक्त हुआ। शालीनतांच सौंदर्यम् स्नेह सौजन्यमिश्रितम् ध्रुवम् धैर्यम् च संतोषम् देयातुभ्यं सरस्वती। आज मैं अति प्रसन्न हूं पुत्र। पिताश्री, कदाचित आज माताश्री यहां उपस्थित होती। हे योगेश्वर, इस प्रकार मैंने अपना पुत्र महाराज शांतनु को सौंप दिया। महाराज शांतनु पुत्र पाकर प्रसन्नता से फूले ना समाए, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ वर्षों बाद पिताश्री, पिताश्री, आपके सदैव मुस्कुराते मुख पर आज पहली बार उदासी देख रहा हूं। क्या आप अपनी चिंता अपने पुत्र से नहीं कहेंगे? चिंता? नहीं नहीं पुत्र, जिसे देवव्रत जैसा पुत्र प्राप्त हो उसे भला क्या चिंता हो सकती है। पिताश्री, मैं भोजन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम चलो पुत्र। तुम कौन हो सुंदरी? महाराज, मैं योजन गंधा हूँ। मैं निषाद दाशराज की पुत्री हूँ। महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं नहीं, तुमने कोई भूल नहीं की। योजन गंधा पुनः भेंट होगी।
महाराज महाराज धन्य भाग हमारे महाराज जो आप इस कुटिया में पधारे महाराज महाराज आप अकेले ही हाँ दासराज बात ही कुछ ऐसी है आदेश कीजिए महाराज ये दासराज आपके किसी काम आ सके आदेश नहीं दासराज निवेदन है मैं तुम्हारी पुत्री योजनगंधा से विवाह करना चाहता हूं और इसे हस्तिनापुर की महारानी बनाना चाहता हूं आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे महाराज नहीं नहीं दासराज मैं तुम्हारी पुत्री को अपनी जीवन संगिनी बनाने की मनोकामना लेकर ही तुम्हारे पास आया हूं आपकी मनोकामना बहुत भली है महाराज मैं आपका आभारी हूं मेरी पुत्री आपके कुल में जाए ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी महाराज लेकिन अपनी पुत्री के भविष्य की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर ही है महाराज दासराज योजनगंधा हमारी महारानी बनकर रहेगी और उसके पुत्र महाराज उनके भविष्य से ही इसका भविष्य जुड़ा है महाराज मेरी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बनेगी तो उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के युवराज बनेंगे ना महाराज नहीं दासराज यह कदापि नहीं हो सकता ऐसा अनर्थकारी वचन मैं नहीं दे सकता अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत के अधिकारों का हनन करने वाला कोई भी वचन नहीं दे सकता क्षमा करें महाराज यदि मेरी पुत्री के पुत्र हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते तो यह संबंध मुझे स्वीकार नहीं राजा होने के नाते आप मेरा सर काट सकते हैं किंतु पिता होने के नाते मुझे अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करने का पूरा अधिकार है योजनगंधा हूँ मैं निषाद दासराज की पुत्री हूँ महाराज यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए क्षमा करें महाराज यदि मेरी पुत्री के पुत्र हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते तो यह संबंध मुझे स्वीकार नहीं पिताश्री नहीं पधारे जी वो चुप क्यों हो सेवक बोलो युवराज आज्ञा हो तो कुछ बोलूं हाँ हाँ बोलो पता चला है कुछ दिनों पहले महाराज की भेंट एक निषाद कन्या से हुई महाराज ने उसके पिता दासराज के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखा परंतु उसका साहस तो देखिए उसने महाराज के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया उसने महाराज से ऐसे वचन मांगे जिसे महाराज न दे सके ऐसा क्या वचन मांगा दासराज ने जो मेरे पूज्य पिता न दे सके बोलो सेवक दासराज ने महाराज से वचन देने को कहा कि उसकी पुत्री के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे उत्तराधिकारी तुम जाओ सेवक महाराज
युवराज देवव्रत, यहाँ आप इस समय, मुझसे कोई भूल हो गई हो युवराज तो मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं दाशराज, आपसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैं उस महान व्यक्ति के दर्शन करना चाहता था जिसने मेरे पूज्य पिता महाराज शांतनु के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस किया। मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? आइए आइए युवराज, मेरी कुटिया को धन्य कीजिए युवराज। नहीं नहीं दाशराज, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। दाशराज, मुझे आपके साहस पर आश्चर्य भी है और मैं आपके साहस का आदर भी करता हूं। आपने हस्तिनापुर नरेश का प्रस्ताव मात्र इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने मुझे युवराज घोषित कर दिया था। युवराज, क्या मुझे अपने संतान के भविष्य की चिंता का भी अधिकार नहीं है? अवश्य है दाशराज, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री से जन्मे पुत्र के पक्ष में मैं अपना पद त्याग दूंगा और महाराज शांतनु के पश्चात आपका नाती ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब क्या आपत्ति है दाशराज? युवराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है युवराज, किंतु किंतु क्या? किंतु यदि आपका विवाह हुआ और आपके पुत्र ने आपके वचन की अवहेलना की ठानी तो? दाशराज, ये असंभव है। हाय देवव्रत, अपने दोनों बाहु उठाकर आकाश के देवताओं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों पृथ्वी समुद्र, अपने मित्रों पूर्वजों और माता गंगा को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और आमरण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। महान ययाति वंशधर पुरु वंशज प्रतिश्रवा पौत्र प्रदीप पुत्र तपस्वी देवापि भ्राता राजर्षि शांतनु महारानी सत्यवती के साथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज शांतनु की, महारानी सत्यवती की, 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 महाराज शांतनु की, महारानी सत्यवती की। शुभो वंशापदी नित्यं सर्वदा सुखवर्धिनि, शुभो कार्येषु सर्वत्र शुभं देहि नमस्तुते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। विराजिए, आज का दिन हस्तिनापुर के लिए आनंद और उत्सव का है। महाराज शांतनु की, महारानी सत्यवती की,
महाराज शांतनु की। आप सभी को आज नई महारानी मिली है और मुझे अपनी माता महारानी सत्यवती की। महाराज शांतनु की। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज राजकोष खोल दिए जाएं और सभी प्रजाजनों को अन्न धन और वस्त्र खुले हाथों से बांटे जाएं। महाराज शांतनु की। महारानी सत्यवती की। प्रजाजनों, सांसारिक जीवन में ऐसे क्षण बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं जब एक पुत्र अपनी द्वितीय माता का स्वागत इतने हर्षोल्लास से करता है। तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके कौन धन्य नहीं होगा देवव्रत, जो इस लोक में भी कल्याणकारी है और परलोक में भी। महाराज शांतनु की। महारानी सत्यवती की। महाराज शांतनु की। क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूं आपके महान पुत्र देवव्रत के विषय में। मेरा पुत्र है, उसकी ख्याति तो चारों दिशाओं में फैली है। स्वयं ऋषियों और महर्षियों ने उसे ज्ञान दान दिया है और यह बात तो सर्व विदित है देवी। किंतु आप क्यों चिंतित हैं? यही तो चिंता का विषय है आर्य, कि एक पुत्र की महानता के समक्ष माता। मैं कुछ समझा नहीं देवी। आर्य, क्या आप उनके बलिदान और त्याग के विषय में कुछ नहीं जानते? त्याग बलिदान? आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग देने का वचन दिया है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ आर्य, आपने मेरे पिता से मेरे साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु कुमार देवव्रत के अधिकारों को ध्यान में रखकर आप मौन हो गए थे। तभी मैंने सोच लिया था कि हस्तिनापुर की महारानी बनना इस केवट पुत्री के भाग्य में नहीं है, किंतु आपके महान पुत्र ने। क्या किया मेरे पुत्र ने? प्रतिज्ञा, राजलोभ से मुक्त रहने की और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है उन्होंने। नहीं सत्यवती, नहीं, मेरा पुत्र ऐसी भीषण प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर का राज्य अधिकारी है वो। पिताश्री, आपकी आंखों में आंसू, आप पुत्र मेरे लाल, ये तुमने क्या किया? सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय में बाण मारकर मुझे प्राणहीन कर दिया हो। पिताश्री, आपने मुझे जन्म दिया है, हर पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता के सुख और सम्मान की रक्षा करे। मैंने तो मात्र अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। तुमने अपने पिता के स्वार्थ के लिए
अपने जीवन का होम कर दिया, अपने स्वाभाविक अधिकारों की आहुति दे दी, और इसे तुम कुछ करना कहते हो पुत्र? तुम वीर और स्वाभिमानी पुरुष हो पुत्र, तुम्हारे जैसा पुत्र संसार में हर पिता को मिले। हर पिता अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करता है। मैं शांतनु अपने समस्त तपोबल से तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीष देता हूं। जब तक तुम नहीं चाहोगे, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह एक पिता का पुत्र को वरदान है। और इस प्रकार मैंने देवव्रत को भीष्म के रूप में नया जन्म दिया। सत्ता मोह से मुक्त होकर भी सत्ता की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भी वो वंश वृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट था। असंख्य घात प्रतिघातों से भरत वंश की रक्षा करते हुए उसने अपने जीवन का तीसरा प्रहर पार किया, परंतु उसके संघर्ष की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। केशव, महारानी सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया। प्रथम पुत्र चित्रांगद तो गंधर्व युद्ध में मारा गया और द्वितीय पुत्र विचित्रवीर हस्तिनापुर का अधिपति बना। भीष्म उसके विवाह का विचार कर ही रहा था कि तभी काशी नरेश की तीन कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का समाचार उसे मिला। परंतु इस स्वयंवर में हस्तिनापुर अधिपति को आमंत्रित नहीं किया गया था। भीष्म हस्तिनापुर का इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर सके। काशी नरेश का यह दुस्साहस अपनी कन्याओं के स्वयंवर में आर्यवर्त के समस्त नरेशों को आमंत्रित किया और हस्तिनापुर सम्राट को भूल गए। अक्षम्य भूल की है काशी नरेश ने, तथापि भरत वंश का यह अपमान हम कदापि सहन नहीं कर सकते, कदापि नहीं। बंद करो यह हंसी, बंद करो यह उत्सव। गंगा पुत्र भीष्म इस स्वयंवर सभा में स्वयं के लिए नहीं अपितु हस्तिनापुर राज के अपमान का बदला लेने आया है। काशीराज भूल गए अपनी शक्ति, भूल गए हस्तिनापुर का गौरव, भूल गए स्वयंवर सभा की रीति नीति। इस स्वयंवर सभा में कुरुवंशियों के महान सम्राट शांतनु के पुत्र विचित्र वीर को आमंत्रित न करके तुमने समस्त कुरु साम्राज्य का अपमान किया है, और हम यह अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते। नहीं देवव्रत भीष्म, किसी को आमंत्रित करना या न करना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। इसे अपने मान सम्मान से जोड़कर इस तरह स्वयंवर के कार्य में बाधा डालना कहां का न्याय है? मुझे न्याय अन्याय का उपदेश न दे काशीराज, आपका यह आयोजन व्यर्थ है। मैं आपकी तीनों कन्याओं को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। नहीं देवव्रत, आपका यह निर्णय संपूर्ण आर्यवर्त के राजाओं के अपमान का कारण बन जाएगा। अपमान का प्रतिशोध मात्र और मात्र अपमान होता है, और हमारा निर्णय बदलना असंभव है। आप अपनी तीनों कन्याओं को हमारे साथ भेजिए, अन्यथा आपको युद्ध करना होगा। इससे पहले आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा।